गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज द कोस्टा रिका अप्रोच। ये कोस्टा रिका जैसे आप देख रहे हो मैप में, यहाँ नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। इसमें जो साउथ अमेरिका है उसका जो एक हेल्दीएस्ट कंट्री है वो आपका कोस्टा रिका है। अब इसमें क्या है, कोस्टा रिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये पाई जाती है कि कोस्टा रिका जो गवर्नमेंट है उसने कई वर्ष पहले एक नेशनल आर्मी ना होने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि वहाँ पर नेशनल आर्मी नहीं होनी चाहिए। उसका ये अर्थ था कि जो आर्मी है उसे मैनेज करने के लिए बहुत सारे मनी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उनका ये मानना था कि जो मनी है जो हम अगर आर्मी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जगह हमें जो हेल्दी और एजुकेशन या हमारी जो बेसिक हमारी ज़रूरत है उन्हें पूरा करने के लिए हमें उस मनी को खर्च करना चाहिए। कोस्टा रिका जो गवर्नमेंट है उसने यह कदम उठाया क्योंकि उनका मानना था कि किसी भी देश का जो भी कंट्री है उसका डेवलपमेंट जो है वो वहाँ की जो हेल्दी पॉपुलेशन है वो मानी जाती है कि हेल्दी पॉपुलेशन वहाँ की इम्पोर्टेंट होती है। इसीलिए सभी कोस्टा रिको को बुनियादी सेवाएँ और सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराई। इट प्रोवाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। हेल्दी एजुकेशन इज कंसिडर्ड विटल एंड इट्स पार्ट ऑफ एजुकेशन कैरिकुलम। और उन्होंने इसको जो स्वास्थ्य शिक्षा थी उसको एक पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनाया। उन्होंने कहा कि पानी बहुत सुरक्षित होना चाहिए, पीने का पानी, स्वास्थ्य सेवा, पोषण होना चाहिए, रहने के लिए जगह होनी चाहिए, अच्छी रहने की जगह, तो ये सारी फैसिलिटीज जो रिका कोस्टा रिकन गवर्नमेंट थी उन्होंने वहाँ के जो पॉपुलेशन थी उन्हें प्रोवाइड कराई। और आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है।